बदहवासी में चिराग पासवान जो भी बोल रहे हैं उसका अर्थ जनता समझ रही है। ये बौखलाहट और हताशा केवल इसलिए है कि महत्वाकांक्षाएं बहुत थीं, लेकिन पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने उनको उनकी हैसियत बता दी है और अब उन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि नीतीश कुमार जी पारदर्शिता और ईमानदारी की एक मिसाल है। सार्वजनिक जीवन में आज तक उन पर कभी कोई दाग धब्बा नहीं लगा और 45 वर्षों के एक संसदीय जीवन को उन्होंने कहीं ना कहीं रोल मॉडल की तरह जिया है। आज भाजपा के तमाम नेता चिराग पासवान को वोट कठुआ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर जो भी बीजेपी के पहली कतार के नेता हैं उन सबों ने चिराग पासवान को झिड़क दिया है और उन्हें एनडीए का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है। एनडीए में उनके लिए कोई जगह नहीं है और मतदाताओं ने भी उनको माकूल और करारा जवाब दे दिया है। अब इस तरह के अनर्गल बयानों के जरिए अगर वो कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता को नहीं समझ पा रहे हैं। जब उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी बिहार में थे, बिहार में कभी मुख्यधारा की पार्टी लोजपा नहीं बन पाई थी, जबकि उनका सम्मान सभी वर्गों में था। चिराग पासवान तो उनके पासंग में भी खड़े नहीं हैं और सिवाय इसके कि वो रामविलास जी के सुपुत्र हैं, उनका कोई योगदान बिहार में नहीं है। बिहार के मुद्दों की समझ नहीं है, बिहार के जमीन से उनका जुड़ाव नहीं है। कभी सीधे तौर पर 100 घंटे वो गुजारने का उनका कभी रिकॉर्ड नहीं रहा है बिहार में। वो क्या बात करना चाहेंगे बिहार को लेकर, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और ऐसे बयानबाज नेताओं को जनता करारा जवाब देगी।